हम 100 वर्ष से भी अधिक कैसे जी सकते हैं और वो भी एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। आइए इस पूरे वीडियो में आखिरी तक आप सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि 100 वर्ष से भी अधिक मनुष्य जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि धार्मिक वीडियो की और ज्ञानवर्धक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं, उसमें आप समझ पाएंगे कि हम 100 वर्ष से भी अधिक कैसे जी सकते हैं और वो भी एकदम स्वस्थ। मनुष्य का जीवन भगवान ने एक उपहार रूप में दिया है और अमूल्य है। जो सुविधाएं किसी भी जीव जंतु को नहीं मिलती, वो सुविधाएं केवल मनुष्य को मिलती हैं। हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, परिवार, चिकित्सा, उद्योग, निवास, वाहन सुविधा, मनोरंजन, अनेकों साधन हैं, अनेकों सुविधा हैं जो मनुष्य को मिलती हैं। क्या किसी प्राणी को उपलब्ध हैं? नहीं, मनुष्य ही ईश्वर का ये वरदान प्राप्त करता है और ईश्वर का यह विशेष अनुग्रह मनुष्य पर क्यों है? संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म लेते हैं, मरते हैं और कुछ काल बाद वो तरह तरह के साधनों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु का जो पांव है वो जानते हो कौन है? वो है मनुष्य। मनुष्य कब किस जंतु को कुचल दे कोई नहीं जानता। मनुष्य को ही परमात्मा ने यह क्षमता प्रदान की है कि वह मृत्यु को भी परे ढकेल कर अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य मृत्यु को परे ढकेल कर वो अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी संसाधन है। संसार में मरे हुए लोगों के समान अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, अमर पुत्रों की तरह दृढ़ता से जीवन को जीना चाहिए। इतिहास और श्रेष्ठ पुरुष जन उनके चरित्रों का आपको अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति की उत्पत्ति के लिए कुछ गुण अत्यावश्यक हैं। वे गुण ही मानव की कसौटियां होती हैं जिनके पास जिस परिणाम में यह गुण होंगे उस परिणाम में ही वह व्यक्ति श्रेष्ठ होगा और अमर होगा। संसार के सभी महापुरुष जीवन इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। गुणों की सीढ़ियां चढ़े बिना अमरत्व के सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन गुणों को और इन गुणों की महिमा अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से वर्णित की है। इन गुणों को दैवी संपदा कहा जाता है। इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने से ही मनुष्य संसार में अमर हो सकता है। भारत देश महापुरुषों का देश, प्रभु श्री रामचंद्र से लेकर अनेकों यहां पर अवतार हुए। प्रभु रामचंद्र आज तक विश्व कीर्ति के सैकड़ों मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया। महापुरुषों के निर्माण से ही काम नहीं चलता, कुछ गिने चुने लोग ही दैवी संपदा को धारण करके महान बन जाएं और शेष अधिकांश नरक का जीवन जीते रहें, यह अनुचित भी है और असंभव भी। देश के साधारण अति साधारण जो लोग हैं उनका स्तर भी श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री राम का अवतार, भगवान शिव का रुद्र अवतार, हनुमान जी महाराज, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं भी अन्य प्राणियों की तरह सामान्य ही हैं, सरलता से पूरी हो जाती हैं। हम अपनी अतिरिक्त क्षमता को
जो हमारी अतिरिक्त क्षमता है उसे भोग, विलास, संग्रह, अहंकार आदि की पूर्ति करने में नियोजित करने लग जाते हैं और तरह तरह के दुराचारों में इस अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्य जो हैं उनसे भटक जाते हैं और एक मरे हुए मानव के समान इस उम्र का बोझ उठाते रहते हैं और जीवन की गाड़ी को आगे घसीटते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे जीवन में तो कष्ट लिख के भेजे। हम सदैव उचित आहार, व्यायाम, तप आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध और अंतःकरण को पवित्र बनाकर यज्ञीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम 100 वर्ष से भी अधिक शुभ कार्य करते हुए उत्तम धन अर्जित करके श्रेष्ठ संतान का सुख भोग सकते हैं और आत्मा को अमरता का आनंद प्राप्त करा सकते हैं प्रभु के भजन के माध्यम से, भगवान की वंदना के माध्यम से, भगवान में विलीन होकर, भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर। और आस्था ही जीवन है। तो आप 100 वर्ष से भी अधिक आयु और वो भी एक स्वस्थ शरीर के साथ पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों से भटके नहीं, भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दें, क्योंकि इस मनुष्य के दिमाग का कंट्रोल भगवान के पास होता है, प्रभु के पास होता है, श्री हरि विष्णु के पास होता है, भगवान श्री राम के पास होता है, महादेव के पास होता है, श्री कृष्ण के पास होता है। तो इस तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और वो भी 100 वर्ष से अधिक। तो सभी तक ये संदेश, 100 वर्ष से अधिक जीवन जीने का तरीका क्या है, भेजिए। फिर आता हूँ नई धार्मिक और पौराणिक जानकारी के साथ। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।